Let's do question number 21 of exercise 15b, that is volume and surface area of solid. Question number 21 is, if 1 centimeter cube of iron, cast iron weighs 21 grams, agar 1 centimeter cube iron ka weight, iron cast weight 21 grams hai, तो क्या निकालना है हमें, फाइंड द वेट ऑफ द कास्ट आयरन पाइप, वेट निकालना है आयरन पाइप का जिसकी लेंथ दे रखी है हमें, लेंथ कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है, राइट फ्रेंड्स। और वो क्या कह रहा है, विद अ बोर ऑफ 3 सेंटीमीटर इन विच द थिकनेस ऑफ मेटल इज 1 सेंटीमीटर, जिसमें ये जो बोर दे रखी है, ये जो अंदर का एरिया दे रखा है, मतलब डायमीटर दे रखा है, दैट इज 3 सेंटीमीटर, और जो बाहर की थिकनेस की मेटल की थिकनेस है ये वाली, वो दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर, राइट फ्रेंड्स। अब क्या कह रहा है, हमें वेट निकालना है कास्ट आयरन का, तो इसका मतलब ये ऐसे पाइप है, राइट, डबल पाइप है जिसका ये आउटर है और ये इनर है, बाहर की जो मोटाई दे रखी है मेटल की वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है, अंदर का जो डायमीटर दे रखा है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें आयरन की मेटल का वेट तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम क्या निकालेंगे, आयरन का वेट कैसे निकलेगा, ये वाला मेटल का वेट निकालना है। ये निकालने के लिए पहले हम अंदर का वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ इंटरनल पार्ट, इंटरनल पार्ट का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7, आर स्क्वायर कितना हो गया, आर कितना है, डायमीटर हमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डायमीटर हमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो गया, डायमीटर अपॉन टू, दैट इज 3/2, तो ये आ गया 3/2 × 3/2, ये सेंटीमीटर्स में था, लेंथ हमारी कितनी है 1 मीटर, तो लेंथ को मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना आ गया, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर में 100 आ गया, राइट फ्रेंड्स। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए देखिए, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, राइट। अब आगे कुछ नहीं कर सकता है, ये कितना हो गया 33, और ये हो गया 150 का जीरो लगाया, 15 × 33, तो ये कितना आ गया, 3 5s are 15, 3 1s are 3 and 4, 3 5s are 15 and 4, तो ये आ गया 4950 upon 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर, आउटर के लिए ओ लिखा है और इनर के लिए आई लिखा है, राइट। नाउ अब वॉल्यूम ऑफ आउटर निकालने के लिए हमें ये पता है, ये इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर की मेटल की थिकनेस है, तो हमारा डायमीटर टोटल कितना हो गया, 1 इधर और 1 इधर, या तो ऐसे डायमीटर निकाल लीजिए 3 + 1 + 1, या रेडियस डायरेक्ट निकाल लीजिए 3/2 में +1 करके, तो हमने डायमीटर निकाल लिया 5 आ गया, तो रेडियस क्या आ गया, 5/2, राइट। तो नाउ अब क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू कितनी आ गई, 22/7, आर कितना आ गया, 5/2 × 5/2, और एच कितना आ गया, 100, राइट फ्रेंड्स। हाइट तो सेम ही रहेगी हमारी, तो अब 2 1s are 2 11 2 1s are 2 50, राइट फ्रेंड्स। तो अब ये कितना आ गया, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, हमें पता है 125 होता है 5 का क्यूब, इनटू 11, और ये 0 एज इट इज, तो 125 × 5 2 and 1, तो ये कितना आ गया, 5 7 3 and 1, तो ये आ गया 13750/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें वॉल्यूम ऑफ मेटल कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल, मेटल का वॉल्यूम निकालना हो, प्लास्टिक का वॉल्यूम निकालना हो, मतलब ये इसके बीच का एरिया निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो कि कितना स्पेस है, तो हम वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर कर देते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ आउटर कितना आया था, 13750/7, और इनर कितना आया था, 4950/7, राइट फ्रेंड्स। तो ये कितना आ गया, 7 एज इट इज रहा,
तो 13750 माइनस 4950, तो ये कितना आ गया, जीरो में से जीरो गया जीरो, फाइव में से फाइव गया जीरो, 17 में से 9 गया 8 एंड 12 में से 4 गया 8 अपॉन 7, राइट फ्रेंड्स, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन कास्ट वेट, आयरन वेट्स कितने का होता था, 21 ग्राम्स का, तो इतने का कितने का होगा, 88,000.17 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट। एक का ये निकल के आया है, सॉरी एक का ये निकल के आया है, इस इतने का निकालना है वेट, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे जब एक का दिया हुआ होता है और ज्यादा का निकालना होता है, तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई 88,000.7 × 21, तो 7 3s are 21, तो ये कितना आ गया, 00,8 3s are 24, 26 ग्राम्स में आ गया, राइट फ्रेंड्स। अब हमें पता है, अब या तो इसको यहीं छोड़ दीजिए या आप चाहें तो ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे होगा, देखिए 1 kg वी नो दैट 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 1 ग्राम कितने का हो गया, 1 ग्राम इसके नीचे आ गया, तो 1/1000 kg का हो गया। तो अब इतने ग्राम्स कितने के होंगे, 26400 ग्राम कितने का हुआ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक की वैल्यू ये थी तो ज्यादा की क्या होगी, तो 1/1000 × 26400, राइट फ्रेंड्स, 2 0s से 2 0 कैंसिल हो गई, तो देखिए कितना आ गया, 264/10, तो दैट मीन्स 26.4 kg इज द आंसर। Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.